नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल नमकीन नमक पारे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, तेल हमने लिए है 2 बड़े चम्मच और कसूरी मेथी 1 चम्मच। कसूरी मेथी आप स्किप भी कर सकते हो। आज हम हमारे रेसिपी को और स्वादिष्ट बनाने के लिए यूज करेंगे उत्सव ऑयल। ये ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और लो कैलोरी ऑयल है। इसमें सोयाबीन, सनफ्लावर और ग्राउंडनट ऑयल्स हमें मिलते हैं, तो आप भी इसे यूज कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हमारी रेसिपी उत्सव के साथ शुरू करते हैं। हमें एक बाउल लेना है जिसमें हम मैदा ऐड करेंगे, उसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक या 1/2 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे, अजवाइन। अजवाइन को हमेशा हाथों पे इस तरह मसल के डालना चाहिए, उसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद कसूरी मेथी, उसे भी हम हाथों पे इस तरह क्रश करके डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अब हमें इसमें तेल डालना है, तो तेल हमें अच्छा गरम करके फिर इसमें डालना है। तेल हमने अच्छा गरम कर लिया है, अब ये इसमें डालेंगे और इसे पहले स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह, और फिर हाथों से इसे इस तरह मल लेना है। इस तरह तेल और आटा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो ये इस तरह बनने लग गया है, इसका मतलब तेल का जो इसमें मेजरमेंट है वो परफेक्ट हुआ है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका एक सख्त आटा लगाना है, तो इस तरह इसमें हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे आटा लगाते जाना है। तो इस तरह हमने इसका सख्त आटा लगा लिया है। अब हम इसे ढक के आधा घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे नमक पारे बनाएंगे। इसे रखे हमें आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे, तो ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसे निकाल के हमें अच्छे से मल लेना है ताकि और ये सॉफ्ट हो जाए इस तरह। तो इस तरह हमने इसे अच्छे से मल लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे इस तरह और इसे बेलेंगे, तो हमें इसे पतला पतला बेलना है। अब हमें इसे बेल लेना है, तो हम इसे पतला पतला बेलना है। इस तरह मैंने इसकी पतली रोटी बेल ली है। अब हम इसे कट लगाएंगे, तो आप छुरी से या पिज्जा कटर से इसे पतला पतला इस तरह स्ट्रिप में कट कीजिए। अब इसे इस तरह क्रॉस कट लगाना है, तो आप जिस भी साइज में इसे बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो इस तरह हमने इसे कट कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और प्लेट में रखेंगे। इसे तलने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो हम यहाँ उत्सव ऑयल ऐड करेंगे जिससे हमारी नमकीन और भी क्रिस्पी और टेस्टी बन जाए। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नमकीन डालेंगे। तो इस तरह इसमें जितने कढ़ाई में बैठते हैं उस हिसाब से आप इसमें नमकीन डालिए। फ्लेम हमें लो से मीडियम ही रखनी है, तो ही वो क्रिस्पी बनेंगे। और इसे इस तरह हल्के हाथों से सेपरेट कर लीजिए और इसे लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक इसे तल लेना है इस तरह। तो इस तरह इसे पलट पलट के हमें ब्राउन होने देना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने लग गया है, और 1 से 2 मिनट इसी तरह हमें इसे चलाते हुए तल लेना है। तो आप अब देख सकते हो कि ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारे नमक पारे बनके रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं, आप आवाज भी सुन सकते हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।